जो देवी मंदिरों में से एक माँ बंशुआरी मंदिर अनोखा रहस्य और लोगों की गहरी आस्था से जुड़ी हुई है। मन की मन्नत जो भी हो वो दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ दरबार में आते हैं मांगने के लिए, और सच्चे मन से माँ की आराधना करने से माँ उनकी झोली खुशियों से भर देती है। नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और आज मैं हूँ राजधानी रायपुर के दूसरे सबसे बड़े मंदिर बंजारी धाम में। बड़े दूर दूर से लोग यहाँ पर माता के दर्शन के लिए पहुँचते हैं और करीब 10,000 से ज्यादा जो ज्योत है वो यहाँ पर जलाए गए हैं। बड़ी दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं वो माता के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। मंदिर के पुजारी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या मान्यता है इस मंदिर की और क्या खास तैयारी इस बार की गई है? बंजारी माता का जो मूर्ति है वह स्वयंभू मूर्ति है। लगभग आज से 500 वर्ष पूर्व यह जमीन से निकली मूर्ति है, जिनके मूर्ति के पीछे नाग देवता का वास है और यह प्रतिष्ठा जो इनकी आज 500 साल पुरानी है, पर नव निर्माण जो है सन 1987 में हुआ है। यह मंदिर में वर्तमान में 9,746 ज्योतें जल रही है, जिनमें 10 राज ज्योत हैं। राज ज्योत का मतलब पहले राजा महाराजा लोग राजा के देश के कल्याण के लिए जलाते थे, जिनमें किसी भी व्यक्ति का सहभाग नहीं होता। ये जितने लोग आम पब्लिक के द्वारा जलाई जाती है जो देश के कल्याण के लिए है। सबसे खास बात इस मंदिर की यह है कि जो माता है वो जमीन से निकली हुई है और जो ज्योति कलश की भी स्थापना की गई है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, उनके नाम पर भी यहाँ पर ज्योत जलवाया गया है। आसपास के कई गांव ऐसे हैं जो इस माता के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। इसके अलावा इसकी एक और मान्यता है कि यहाँ पर जो भी मनोकामना लेकर आता है उस मनोकामना को माँ बंजारी पूरा करती हैं और बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु माँ के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। कैमरामैन विक्रांत के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। वहीं